जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पेंशन से संबंधित दो महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आया हूं। पहली खबर तो है दोस्तों पेंशन पर कम्यूटेशन को लेकर के, और दूसरी खबर है दोस्तों एडिशनल पेंशन यानी कि पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। तो चलते हैं पहली खबर पर दोस्तों। रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने सेक्रेटरी पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एआर पीजी एंड पेंशन को जो है यह लेटर लिखा है। इसका सब्जेक्ट आप देख रहे हो दोस्तों, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन आफ्टर 12 इयर्स इंस्टेड ऑफ 15 इयर्स। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि रिटायरमेंट आते समय जो पेंशन पर कम्यूटेशन मिलता है तो उसका रिस्टोरेशन कम्यूटेशन मिलने के बाद 15 साल में होता है। तो इसी पीरियड को कम करने के लिए यानी कि 12 साल करने के लिए जो है यह पत्र लिखा है। और दोस्तों इसमें रेफरेंस भी दिया गया है, जैसा कि आपको पता ही है कि अभी गुजरात गवर्नमेंट ने जो है इस पर रिसोल्यूशन लेकर के आए हैं, और इससे पहले भी जो है इस सोसाइटी ने जो पत्र लिखा था उसका भी यहां पर हवाला दिया है। और कम्यूटेशन रिस्टोरेशन को 15 साल से 12 साल करने के पीछे जो है इस सोसाइटी ने जो है कई लॉजिक भी दिए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहां पर जो है इस सोसाइटी ने बताया है कि 2008 में जो है कम्यूटेशन जो दिया जाता है एक पेंशनर को, उस पर जो है 8% जो है कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगता है, जो कि जो है 2008 से लेकर अभी तक कंटिन्यू चला आ रहा है। जबकि गवर्नमेंट की जो अन्य स्कीमें हैं उनमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है 33% तक की गिरावट आई है। तो सोसाइटी यहां पर लिखती है कि इवन की जो पे कमीशन भी है हर 10 साल में बैठता है, लेकिन जो ये कम्यूटेशन का जो 8% वाला फॉर्मूला है इसको जो है 14 साल हो चुके हैं, और पेंशनर से कम्यूटेशन के ऊपर 8% कंपाउंडेड रेट पर जो है एनुअली ब्याज लिया जा रहा है। यहां पर इन्होंने एग्जाम्पल के लिए जो है एक कंपेरेटिव रेट भी दिया है, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है, आपको पता ही है पीपीएफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और एनएससी। इसमें जो है 2006 में इन्होंने दिखाया कि पीपीएफ में जो है 8% की दर से गवर्नमेंट जो है पीपीएफ की जमा राशि पर दे रही थी। उसी प्रकार सीनियर सिटीजन स्कीम में 9.2% और एनएससी में 11.3%। लेकिन दोस्तों अब 1 जनवरी 2022 को पीपीएफ पर जो है गवर्नमेंट 7.1% दे रही है, जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 7.4% और एनएससी में जो है 6.8%। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो इन्होंने 33% डिक्रीज का हवाला दिया है, तो यहीं से आप जो है इसको देख सकते हैं इनमें कितना जो है डिक्रीज हुआ है जो कि गवर्नमेंट अपनी स्कीमों में दे रही है। यहां पर जो है आरबीआई के रेपो रेट का भी हवाला दिया गया है और अन्य एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 5वें सेंट्रल पे कमीशन ने यह रेकमेंड किया था कि कम्यूटेशन को जो है पेंशनर से 15 साल में रिकवर ना करके, उसका रिस्टोरेशन ना करके 12 साल में किया जाए, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लागू नहीं किया गया। जबकि केरला, एमपी, ओडिशा, पंजाब और गुजरात राज्यों ने इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया है। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो है 77 साल एक एवरेज एज दिखाया गया है, और इन सब को जो है मद्देनजर रखते हुए सोसाइटी ने यह डिमांड की है, एक तो जो 8% कम्यूटेशन के ऊपर लग रहा है उसको रिवाइज किया जाए, और दूसरा जो है कम्यूटेशन 15 साल से लेकर के 12 साल कर दिया जाए। अब चलता हूं दोस्तों मैं अगली खबर के ऊपर। अगली खबर भी दोस्तों रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की ही तरफ से लिखा गया लेटर है। और दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि यह रेलवे कर्मचारियों के लिए है तो ऐसा नहीं है। अगर ये चीजें लागू होती हैं सभी केंद्रीय कर्मचारी पर यह लागू होगी। आप देख रहे होंगे 27 मार्च का यह लेटर है और यह लिखा गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए, और इसमें सब्जेक्ट है दोस्तों इनका ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन ऑफ 5%, 10%, 15% एंड 20% एट द एज ऑफ 65, 70, 75 एंड 80 ईयर रिस्पेक्टिवली। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि पेंशनर की उम्र 80 साल पूरा हो जाने पर उसकी पेंशन का 20% एडिशनल पेंशन के रूप में दी जाती है। हालांकि दोस्तों इसमें भी विसंगतियां हैं कि 80 साल पूरा होने पर मिलना चाहिए या फिर 80 साल शुरू होने पर, लेकिन दोस्तों अभी मैं बात करूंगा आपको 65, 70 और 75 साल की, जो कि सोसाइटी के द्वारा जो है डिमांड की गई है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ने जो है अपनी 110वीं रिपोर्ट में जो है इस चीज को रेकमेंड भी किया था कि 65 साल की पेंशनर की उम्र होने पर उनको 5% जो है बेसिक पेंशन का दिया जाए, 70 साल की उम्र होने पर 10%, 75 साल की उम्र होने पर 15% और 80 साल में 20% जो है बेसिक पेंशन का एडिशनल क्वांटम जो है पेंशनर को दिया जाए। और आप देख ही रहे होंगे इसको जो है पार्लियामेंट्री कमिटी ने रेकमेंड भी किया था, हालांकि जो है इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसके पीछे लॉजिक देते हुए सोसाइटी ने लिखा है, मोर ओवर
सिक्स्थ एंड सेवन सीपीसी हैज ऑलरेडी रिकमेंडेड द अबव इन व्यू ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पेंशनर। तो दोस्तों जो छठवां और सातवां पे कमीशन था उन्होंने भी जो है इस फॉर्मूला के ऊपर जो है अपनी रेकमेंडेशन दी थी, और जैसा कि यहां पर बताया गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हुए, अभी थोड़ी देर में पहले मैंने आपको बताया था कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 77 साल की है, तो एवरेज लाइफ अगर 77 साल की है तो इसका मतलब जो है कई पेंशनर जो है 80 साल की उम्र तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, और जो 80 साल की उम्र तक पहुंचेगा ही नहीं तो उसको फिर 20% का लाभ कैसे मिलेगा। तो इसलिए भी जो है सिक्स और सेवन पे कमीशन ने इस चीज को रेकमेंड किया था कि यदि एक पेंशनर जो है 65, 70 या 80 के बीच में भी उसकी मृत्यु होती है तो कम से कम उनको जो है यह एडिशनल पेंशन का लाभ मिल सके। तो पेंशनर की बढ़ती हुई उम्र, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और उसकी जरूरतों को देखते हुए सोसाइटी ने जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री से यह डिमांड की है कि पेंशनर को जो है 65 साल की उम्र से, जो कि छठवें और सातवें वेतन आयोग ने रेकमेंड किया था, इसके मुताबिक जो है इसको लागू किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये अच्छी पहल की है रेलवे सीनियर सिटीजन सोसाइटी ने, और यदि यह सरकार के द्वारा लागू की जाती है तो निहायत ही सभी पेंशनर को इसका फायदा होगा। इसी जानकारी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।